मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसे मिला है। तो इस ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का मैंने घर का ब्लॉग स्टार्ट किया है और जो भी होगा आप यहाँ शेयर करेंगे। तो ये दो तीन ब्लॉग, कल वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, तो मैंने सारा एक आर्ट पर पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। तो ओनली आर्ट के बारे में आपको बताया था, जो भी मेरे पास में ड्राइंग थी जो मैंने आप बनाई थी, तो जैसे स्टार्ट किया वैसे दिखा दिया। आज के ब्लॉग में देखते हैं जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो लोग स्टार्ट कर लिए और बनाते हैं, थोड़ा सा घर का बनाते हैं। तो जो भी होगा अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मस्त मस्त ब्लॉग आते रहते हैं। आगे हो रहे हैं, दिवाली आने वाली है, तो मस्त मस्त चीज़ें देखने को मिलेगी। बस दो तीन ब्लॉग ये घर के आ रहे हैं, बाकी फिर बाज़ार के मस्त आएंगे। तो बाज़ार की डेकोरेशन होगी, दिवाली की सजावट होगी, दुकानें लगती है ना, सब दिखाएंगे आपको। तो ब्लॉग में बने रहें, तो भी मिलते हैं। तो गाइज अभी आ चुका हूँ रसोई के अंदर और अभी मेरे चाय पीने का मन करा था, तो मैं चाय रेडी करता हूँ, चाय पीता हूँ। तो मैं मेरे को पीनी है, तो मम्मी पापा ने खाना खा लिया, तो मैंने थोड़ा चाय पीने का मन करा है, तो मैं चाय बनाता हूँ, तो फिर पीता हूँ। मैंने दो तीन ब्लॉग बना रखे हैं तो इस कारण अभी नहीं दिखा रहा मैं। तो चाय रेडी करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा मैं दिखा दूँगा। तो घर का ब्लॉग होने वाला है, तो सिंपल सी रसोई आप लोग देख पा रही हो। तो एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, माय स्टूडियो माय होम, तो उसे भी लाइक करना, आने वाले हैं। तो अभी मैं चाय बनाता हूँ, तो फिर 5-10 मिनट बाद में मिलता हूँ, चाय पी के मिलता हूँ। चलो फाइनली गाइज अभी बाहर आ चुका हूँ और थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो बादल से आ रहे हैं, एक बरसात और आएगी उसके बाद मस्त ठंडी हो जाएगी और ठंडा मौसम हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी सहने के बाद ठंडा मौसम आने वाला है, तो मौसम चेंज हो रहा है और दिवाली पास में आ रही है। दिवाली के सीजन में बस अंदर सोने लग जाते हैं, तो मौसम चेंज हो जाता है, तो सोने वाला। अब एक बार सो रहेगी, अब आएगी तो आएगी, पता नहीं कब आएगी, पर आएगी, एक बार सो रहेगी उससे ठंड हो जाएगी। तो ऐसे 12-1 बजे तक, सुबह सुबह 4 बजे ओस आती है, तो उससे पता चल जाता है। बाकी दोपहर को थोड़ी गर्मी रहती है और थोड़ी सुबह शाम थोड़ी सी गर्मी रहती है, बाकी रात को उस टाइम है उसमें ओस पड़ती है। धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, आ रही है, तो ठंडा मौसम होने वाला है। फिर हम साइकिल पर मस्त ब्लॉग बनाएंगे, जो भी ब्लॉग आएंगे साइकिल पर, दूर दूर के ब्लॉग आएंगे। अभी थोड़ा मौसम चेंज नहीं हुआ ना, इस कारण साइकिल पे थोड़ी दिक्कत आती है जाने में। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ ओनली वाइड एंगल से, तो आपको मस्त दूर दूर से दिख रहा है, और मैं वाइड एंगल से बनाते हैं। तो चाय वगैरह मैं पी के आ गया था, मस्त बना के मुँह थोड़ा बाहर का दिखाते हैं, मिलते हैं। इससे क्या, ये हाथ वाला ये एंगल है ना, ये अजीब सा दिखता है इससे बड़ा बड़ा, पर इससे सही दिखता है। तो गाइज ये देखो, तो तीसरा लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा, तो आर्ट वाले पहले से, तो मैंने आपको इस ब्लॉग में केदरी दिखाई दी है, कमेंट तो नहीं आई। तो ये है कल्चर की खेतरी, आपको बता रहा हूँ, उस पर कमेंट कर देना। तो इसको काट काट के इसमें ताकत लगा के इसको सुखाते हैं। अब काचन का सीजन चल रहा है कल्चर, तो अब खेत से ला के उनको सुखा दिया है, और ये सूख जाएंगे ना, उनके बाद में सब्जी बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, मस्त बनेगी। और अब देखो ये उस दिन तो लंबे लंबे दिख रहे थे, यहाँ तक आ रहे थे इतने, और जैसे सूख रहे हैं ना, सुखड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। ये देखो कितनी बेल बन गई है, और शुरू मस्त आ रही है इसकी, चटनी खा के देखना। तो सब्जी तो मैंने इतनी नहीं खाई, सब्जी थोड़ी कम मस्त लगती है, पर इसकी चटनी मेरे को मस्त लगती है, गाजरों की चटनी। जो ज़्यादा खाई है खेत में रहते हैं उनको ज़्यादा पता है, तो इनकी अलग से होती है। ये गुवारे के अंदर लगे होते हैं ना, वो मस्त होते हैं और खट्टे खट्टे होते हैं। तो चलो इसमें कमेंट कर देना, तो मैंने अपडेट दे दी आपको। अभी ये सूख जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, सूख जाएंगे ना, उसके बाद में इसको मस्त सी सब्जी चटनी बना सकते हैं। चलो मिलते हैं अभी। तो गाइज अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, और आज का ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया मैंने, तो उसके बाद मस्त नहा के ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और आज का मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, और सुबह मैंने देखा आपको दिखाया था, अब चेंज हो चुका है। मेरे को लगता है बरसात वगैरह होगी ना, फिर मौसम चेंज होगा और ठंडे दिन आ जाएंगे। ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल ठीक है मौसम, बीच का मौसम है। तो अभी घर पे ब्लॉग बनाए, अभी मस्त अभी दिवाली के बनाएंगे ब्लॉग, ये 2-4 ब्लॉग घर के आ रही हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मस्त बनाएंगे ब्लॉग। अभी तो फिलहाल घर पे ही हैं, तो थोड़ा बनाएंगे ब्लॉग, छोटा ही ब्लॉग बनाया तो कुछ दिखाया नहीं आपको, कल 2-3 ब्लॉग बनाए थे, तो सिंपल सा ब्लॉग, अब कुछ टॉपिक नहीं है, तो इस कारण वो घर का बना देते हैं, फिर दिवाली के ब्लॉग बनाएंगे, फिर लगातार आएंगे बाज़ार के आएंगे। फिर 12 तारीख को दशहरा है, उसका देखेंगे यहाँ पे, जला तो बना देंगे, नहीं तो फिर गंगानगर हनुमानगढ़ को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले होता था, अब तो बंद कर दिया, तो बाकी आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पे होगा तो बनाएंगे,
मेरे दीपावली के बाजार के बनाएंगे मस्त ब्लॉग, दुकानें वगैरह मस्त सजेगी ना, तो वो आपको दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको शाम को दिखा रहा हूँ, मौसम चेंज हो रहा है तो वो थोड़ा बना लेते हैं। सुबह थोड़ा घर का बनाया था, अभी इसका बनाया, ज़्यादा कुछ आज दिखाया नहीं, सबसे छोटा ब्लॉग होने वाला आज का। चैलेंज नहीं तोड़ना चाहिए वैसे, मैं डेली बनाना है मेरे को छोटा बड़ा, चैलेंज नहीं टूटने दूंगा, डेली बनाऊंगा। तो गाइस अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज का ब्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। तो आज थोड़ा छोटे ब्लॉग बनाए मैंने, तो बाकी नेक्स्ट ब्लॉग देखना। और अभी एंड करने जा रहा हूँ ब्लॉग को, इस ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दीपावली के बाजार के ब्लॉग बनाएंगे तो थोड़ा मेला स्टार्ट हो जाए, तो दुकानें वगैरह मस्त सजेंगे ना, फिर सजाएंगे। और बाकी ब्लॉग आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो थोड़ा हो जाते हैं ब्लॉग, छोटे छोटे हो जाते हैं तो थोड़ा और घर का काम भी देखना पड़ता है ना, फिर ब्लॉग बनाता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सदा ब्लॉग अंदर जाकर रूम में एंड करता हूँ, वहाँ थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉग को लाइक कर दें, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ठीक हो चुका मौसम, पहले तो थोड़ा बादल छा गए थे, उसके बाद ठीक हो गए। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में इंतज़ार करना, आने वाला हो सकता है बाद मस्त आ जाए। जय हिंद, जय भारत।